उधर से भी फेंके जा रहे हैं, पत्थर उधर से भी फेंके जा रहे हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी का सिलसिला जारी है। सोचिए अगर इनमें से एक ईंट किसी इंसान के लग जाए तो उसका क्या हाल होगा, जान भी जा सकती है। लेकिन दोनों पक्षों के लोग मानने को राजी नहीं हैं। ईंटों से एक दूसरे पर हमला जारी है। पथराव की ये तस्वीरें भी देश के सबसे बड़े सूबे की है। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में यही सवाल आएगा कि आखिर यूपी के लोगों को हो क्या गया है, क्यों यहाँ बार बार सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं घट रही है। दरअसल बहराइच, मुजफ्फरनगर के बाद यूपी के बरेली में भी तगड़ा बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि किला थाना क्षेत्र के शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग के पास दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। कहा सुनने के बाद बात इतनी बिगड़ी कि बहसबाजी होने लगी। फिर देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर ईंट बरसाने लगे। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पथराव की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस टीम ने लाठी फटकार कर पत्थरबाजों को भगाया। बाद में बाकरगंज चौकी इंचार्ज की ओर से किला थाने में मुकदमा करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल बरेली में पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बहराइच में कुछ दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की थी, जबकि मुजफ्फरनगर में बीते दिन ही धार्मिक टिप्पणी को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। और अब बरेली में पथराव की घटना, इन घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं। आखिर क्या वजह है जो यूपी में हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद बढ़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।